शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से। श्रीनगर आतंकी हमले से जुड़ी जम्मू कश्मीर आईजी का बयान आया है कि आतंकी हमला प्लानिंग के तहत किया गया था। विजय कुमार का कहना है कि आतंकी हमला बाकायदा एक प्लानिंग के तहत किया गया था। आतंकी हमले में 3 आतंकी शामिल थे और इसकी बाकायदा प्लानिंग की गई थी। आतंकी हमला एक प्लानिंग का हिस्सा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल शाम में 6 बजे कि हमारे आर्मर पुलिस का एक बस जा रहा था जिसमें 25 जवान बैठे हुए थे। जब कैंप के नजदीक पहुंचा था, कैंप से 300 मीटर पहले अंधेरा हो चुका था। 3 टेररिस्ट जैश मोहम्मद का, जिसमें 2 फॉरनर था, एक लोकल टेररिस्ट था, अंधाधुंध फायरिंग किया जिसमें हमारे 14 जवान जख्मी हो गए। उसको हम लोग हॉस्पिटल ले गए। 2 हॉस्पिटल में मार्टिरियम को प्राप्त किए, एक आज अर्ली मॉर्निंग मार्टिरियम को प्राप्त किए। इस सब टोटल 3 शहीद हो गए, बाकी आउट ऑफ डेंजर है। ये जैश मोहम्मद ने खुद भी क्लेम किया, जैश मोहम्मद का टेररिस्ट इन्वॉल्व है। हमारे जवानों ने काफी फायरिंग किया था जिसमें एक आतंकवादी जख्मी हुआ है, उसका ब्लड स्पॉट काफी दूर तक देखा गया है। ये खरू से पांपोर और त्राल तरफ भागने में कामयाब हो गया, उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस ग्रुप को हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.